नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। जैसा कि आप जानते हैं, थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में हमने थोड़ा से बातें की थी। आज मैं आपको एक क्वेश्चन तैयार करवाने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस जो हम कर रहे हैं, जैसा कि आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करने के लिए करते हो, बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पहला डिफरेंस करने के लिए आपको मीनिंग एक बार देखना होगा। मैंने बताया था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंप्लीटली ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहां पर पहला जो पॉइंट रहेगा, ओनरशिप से हम आप इसको लगा सकते हैं। ओनरशिप में क्या है, ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग मिलकर भी इसे कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में मैंने बताया था ओन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, इसको चला सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको क्या कर सकती है, चला सकती है, ओन कर सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्राइवेट सेक्टर, जैसे हम बिजनेस करते हैं, हम मान लीजिए हम या मैं आप बिजनेस करेंगे, तो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉफिट कमाना है ना, यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जब गवर्नमेंट करेगी किसी भी तरह का बिजनेस, तो उसका मेन उद्देश्य होगा पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई करना, क्योंकि वो अपने देश की डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध होती है, अपने देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होती है, इसलिए वो कम दामों पर भी आपको सुविधाएं प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर प्राइवेट सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर में पब्लिक वेलफेयर को प्रेफरेंस दी जाएगी। तीसरा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पिछले चैप्टर में जितनी फॉर्म्स की थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो सकते हैं, स्टैचुअरी कॉर्पोरेशंस,
गवर्नमेंट कंपनीज, ये जो फॉर्म्स है ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आप देख पाओगे। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने डिटेल डिस्कस करनी है इससे अगले वीडियो में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर स्टैचुअरी और फिर गवर्नमेंट कंपनी। मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स या इलेक्टेड प्रोफेशनल्स के द्वारा होती है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह लेकर सिलेक्शन करके प्रोफेशनल्स को चूज कर लिया जाता है, मैनेजर्स को चूज कर लिया जाता है, तो इसीलिए एफिशिएंट होती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगी। यहां पर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना, यहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपने नुमाइंदों भार सौंप देती है, इसलिए कई बार ये एफिशिएंट नहीं होती और गवर्नमेंट कंपनियां चलती रहती है लोग उसके अंदर। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, सोशल ऑब्जेक्टिव को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, वेरी लेस इंपॉर्टेंस इज गिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, लेकिन यहां पर पब्लिक सेक्टर में सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, सामाजिक जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि समाज का भला करने के लिए ही, समाज को फायदा देने के लिए ही ये एंटरप्राइजेस हमें क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, सरकार के द्वारा खोली जाती है। सिक्स पॉइंट में हम लिख सकते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ओनर्स, जो इंडिविजुअल ओनर्स हैं वही लगाएंगे, यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक फंड्स, पब्लिक फंड्स से भी ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरह से कैपिटल जो है गवर्नमेंट लगाती है पब्लिक सेक्टर। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, यहां पर इन ऑर्गेनाइजेशंस में अकाउंटेबिलिटी जो रहेगी उत्तरदायिता रहेगी टू हिज ओनर, अपने ओनर के प्रति, इन्वेस्टर के प्रति, जिसने आपकी पूंजी लगा रखी है, पैसा लगा रखा है, ठीक है, और यहां पर अकाउंटेबिलिटी जो रहेगी वो पब्लिक के लिए रहेगी, अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स पब्लिक, अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स पब्लिक, पब्लिक के लिए क्या रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में देना पड़ेगा इसका जवाब भी, थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपने क्या करना है, इसका जवाब देना है। उसके बाद लास्ट में हम कहेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वेरी लेस पॉलिटिकल, क्योंकि इंडिविजुअल लोग हैं तो सरकार का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता, नेताओं का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता, और ये गवर्नमेंट की ही है तो गवर्नमेंट तो सरकार किसकी है, नेताओं के द्वारा चलती है,
तो वेरी हाई लेवल का इंटरफेरेंस रहता है यहां पर, वेरी हाई लेवल इंटरफेरेंस इज देयर इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो ये था डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जल्दी से एक बार फिर से कहते हैं, मालिक कौन होते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां पर मालिक होती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये प्रॉफिट कमाने के लिए है और ये पब्लिक के वेलफेयर। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा या रिक्रूट किए जाते हैं प्रोफेशनल्स इस काम के लिए। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ज्यादा जरूरी नहीं है पूरा करना, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है सोशल ऑब्जेक्टिव को। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जाती है इंडिविजुअल ओनर्स के द्वारा, यहाँ पर पैसे गवर्नमेंट लगाते हैं या पब्लिक फंड्स के इकट्ठा करके गवर्नमेंट लगाती है। अकाउंटेबिलिटी अपने ओनर के प्रति है यहाँ पर, और यहाँ पर पब्लिक के प्रति है, पार्लियामेंट से इसका जवाब देना पड़ता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।